हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्स। और देखिए, मैंने कटिंग वगैरह कर ली है और पीसे जितना बड़ा मुझे लेना था, इसमें मैंने फॉर्मल अस्तर लगा दिया है। और देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है 22 इंच की, इसकी जो चौड़ाई है वो है 12.5 इंच की। तो मैं बनाने वाली हूँ पार्टी वियर पर्स, बहुत ही प्यारा सा। तो देखिए, इसकी भी जो चौड़ाई है वो 12.5 इंच की है और जो लंबाई है वो 4 इंच की है। तो मतलब लंबाई बोल दीजिए चाहे चौड़ाई बोल लीजिए। और ये दो पट्टियाँ ली हैं मैंने, ये 3.5 बाई, देखिए 3.5 बाई 14.5 इंच की हैं। तो ये मैंने दो पट्टियाँ ली हैं और ये मैंने अंदर डालने के लिए पट्टियों में ये कपड़ा लिया है दो। और अब देखिए, यहाँ से हमें थोड़ा सा नाप लगा के निशान लगा देना है यहाँ पर 2.5 इंच का, इस तरीके से। तो आप इसे फ्रंट में लगा सकते हो निशान को, या फिर बैक में लगा सकते हो। अब देखिए, निशान लगाने के बाद में हमें इसे कट कर देना है। और देखिए, कट करने के बाद में अगर आपको इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है तो पाइपिंग लगा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट चेन को अटैच कर सकते हो। देखिए, इस तरीके से मैंने जिप को अटैच कर दिया है। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें पार्टी वियर लुक देने के लिए हम इसमें लगाएंगे लेस। तो मैंने सिंपल सी लेस ली है, क्योंकि ज़्यादा हैवी लेस लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से लेस को दोनों तरफ से सिलाई लगाते हुए अटैच कर दिया है। और इसको मैंने चैन को दूसरी साइड में भी लगा दिया है और ऊपर से इधर साइड में भी लगा दूंगी। तो अगर आपके पास कम लेस है तो आप एक ही साइड में लगा सकते हो, नहीं तो दोनों साइड में लगा सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से कितना प्यारा सा लुक आया है ना इस पर्स जो लेस है इससे। अब देखिए, मैं लूंगी एक रनर, रनर इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए, रनर को मैंने डाल दिया है। अब लिया है मैंने एक अस्तर का कपड़ा है, तो मैं इसमें अंदर की साइड में दो पॉकेट लगाने वाली हूँ, क्योंकि एक तो जिप वाली हो जाएगी और एक सादा अंदर पॉकेट हो जाएगी थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखने के लिए। तो इसके बराबर का मैंने कपड़ा कट कर लिया है। अब देखिए, 1 इंच करीब ही छोटा है तो आपको छोटा ही लेना है। अब एक तरफ से आपको सिलना है, एक तरफ से उसे बराबर रखना है, जिधर से चैन है उधर से आपको बराबर से रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक तरफ से आपको छोटा लेना है, तो जिधर से हमने छोटा लिया उधर से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है, 2.5 इंच नीचे से लिया है इसको करीब। अब मैं इसको आलपिन की सहायता से अटैच कर देती हूँ पहले, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब देखिए, अब हमें इसे डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। अब इसमें हमें बीच सेंटर में निशान लगाना है एक। तो निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है सीधी। तो देखिए, मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है बीच सेंटर में। अब देखिए, दोनों हिस्सों को पकड़ते हुए आपको दोनों साइड में इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो इस पर्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। और गाइज, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना और लाइक करके ज़रूर जाना। तो देखिए, इस तरीके से मैंने साइड में भी सिलाई लगा दी है। अब मैं इसी तरीके से दूसरी साइड में भी सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पर लगा देंगे हम, इसको पहले कटिंग कर लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, और फिर हम लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग से थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है अंदर की साइड में पर्स में, क्योंकि हम पार्टी वियर बनाने वाले हैं तो फिनिशिंग तो आनी ही चाहिए ना। अब देखिए, हमने दोनों साइड में लगा दी है सिलाई, अब हम निशान लगाएंगे। तो देखिए, एक तरफ से तो हमारी सिलाई लगी हुई है, उधर से छोड़ते हुए 1.5 इंच का लगाना है और नीचे से भी 1.5 इंच का लगाना है। तो मतलब 1.5 बाई 1.5 का हमें निशान लगाना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से 1.5 बाई 1.5 का ये चौकाना सा बना लिया है। तो जो सिलाई लगी हुई है उस पार्ट को आपको छोड़ना है और वहीं से आपको 1.5 बाई 1.5 का निशान लगाना है, दोनों तरफ लगाना है आगे और पीछे के हिस्से में। अब देखिए, आपको जो हमारा निशान हमने लगाया था दोनों तरफ, अपने आप ऑटोमेटिक ये इस तरीके से लैंड ड्रॉ हो जाएगी, हम जब इस कोने को इस तरीके से पकड़ेंगे तब। अब देखिए, मैंने आलपिन से अटैच कर दिया, अब हमें सिलाई लगा देनी है सिंपल। तो देखिए, मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी इस तरीके से।
अब हमने जो स्ट्रिप ली थी 3.5 बाई 14.5 इंच की, उसको हमें देखिए इस तरीके से रखना है अंदर कपड़े को और सिलाई लगा देनी है सिंपल। तो देखिए इस तरीके से मैं ये तनी बना के रेडी कर रही हूँ, आप जिस तरीके से बनाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने दोनों तनी को सिल दिया है। अब मैं दोनों को बराबर कर देती हूँ कट करके, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हैं वो। तो देखिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया है, अब हमें निकालना है इसका बीच सेंटर। तो देखिए सबसे पहले मैंने सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए इसका बीच सेंटर निकाल दिया है, और अब बीच सेंटर निकालने के बाद मैं 2 इंच इधर और 2 इंच इधर निशान लेते हुए 4 इंच का निशान लगा दिया है। मतलब बीच बीच में हमने 4 इंच का गैप छोड़ा है और इस तरीके से 2 इंच इधर और 2 इंच उधर लेते हुए निशान लगाया है। अब हमें इस तनी को दोनों ही निशानों पर इस तरीके से अटैच कर देना है। हॉल पिन की सहायता से कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हो। तो आपको तनी को देख लेना है, तनी में जो अंटा नहीं आना चाहिए, नहीं तो अंटा आ जाता है तो पकड़ने में भद्दा लगता है थोड़ा सा। तो देखिए इस तरीके से मैंने तनियों को दोनों को अटैच कर दिया है। अब हमने जो एक और पार्ट लिया था 4 बाई 12.5 इंच का, वो वाला पार्ट ले लिया है। इस पर भी हम इस तरीके से बीच सेंटर में निशान लगा देंगे और जो निशान लगाया है वहीं से हम इसे कट कर देंगे। तो ये साड़ी में से बचा हुआ, मतलब ब्लाउज में से बचा हुआ पीस है। तो ये हमारा साड़ी के साथ का पार्स बनने वाला है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें जिप को अटैच कर दिया है 2 सिलाई के साथ में। अब इधर वाले हिस्से में भी 1 सिलाई और 2 सिलाई लगा दूंगी। अब देखिए 2 सिलाई लगा दी, हमने रनर भी डाल दिया। अब इसे हमें इस तरीके से पकड़ते हुए दोनों तरफ सिलाई लगानी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इस हिस्से को, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहले मैंने एक तरफ सिलाई लगाई है, अब यहाँ से सिलाई को मिलाते हुए इस तरीके से हम नापेंगे कि कितनी हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाले में, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसे किस तरीके से लगाया जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपसे कह रही हूँ ध्यान से देखना इस पार्ट को। तो देखिए हमने इस तरीके से सिंपल सिलाई लगा दी। अब इसे इस तरीके से तिकोना सा बना के और 1 इंच करीब की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से दोनों तरफ। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा दी है डबल, और इस तरीके से ये सीधा हो जाएगा। कुछ इसका जो हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। आप देखिए इसे हम इस तरीके से अंदर की साइड में डाल देंगे इस पर्स में। तो हमने तनी तो पहले ही लगा दी है, अगर आपको स्लिंग पर्स बनाना है इसी, मतलब यही वैसी तनी नहीं लगानी है, 2 डबल वाली, और आप डबल भी लगाते हो स्लिंग पर्स की तरह भी लंबी तनी लगा सकते हो इसमें, जैसे करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। देखिए हमने उसको सिल दिया है चारों तरफ से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। अब ऊपर से भी 1 सिलाई लगा देंगे इसको दबाते हुए, और ये हमारा पार्टी वियर पर्स बिल्कुल मार्केट जैसा रेडी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा पर्स बनने वाला है और साड़ी के साथ का पर्स हो जाएगा फिर ये, और कलर भी इसका ऐसा है कि ये वैसे किसी भी साड़ी में मैच हो जाएगा, क्योंकि गोल्डन कलर है इस कपड़े का और एक और कलर मैच है। तो लेकिन इसका जो कलर है ना बहुत ही प्यारा लगा मुझे, मैंने सोचा लाओ इसमें से एक पर्स बना दूं। और देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ इसमें सिलाई ऊपर से लगा दी है। अब देखिए इसको मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक जेब हमारी ये हो गई। आप इस जो मैंने फ्रंट में लगाई है ना ये वाली जेब, आप इसे बैक में भी लगा सकते हो, लेकिन हम बैक में लगा देते हैं इस जिप को तो जो फ्रंट वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल प्लेन प्लेन दिखता है। तो इसीलिए मैंने इस जिप को फ्रंट में लगाया है, और आप अगर ज़्यादा जिप लगाना चाहते हो तो पीछे की साइड में भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइड में लगाओ। आप इसे जितनी पॉकेट का बनाना चाहते हो उतनी पॉकेट का आप बना सकते हो। देखिए एक पॉकेट हमारी ये हो गई, और देखिए अंदर का भी मैं थोड़ा सा सीन आपको दिखा देती हूँ। एक पॉकेट हमारी ये हो गई बड़ी, और ये एक तो हमारी वो है ही है। तो ये 3 पॉकेट वाला हमारा प्यारा सा पर्स रेडी है।
तो गाइस कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को हमारा ये पर्स कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के।